Can create a application that can be accessed anywhere. Uh, we create a application by using in a three way. One is your console based application, another is your window application, and uh, or it is called as a desktop application. Next is web application. So earlier the web application is not present. Um, later, uh, you can say in the nineteen ninety.

और अगर आप दूसरा कोई सिस्टम में उसको ट्राई करे हुए चलाने के लिए वो काम नहीं करेगा कंसोल एप्लीकेशन भी उस तरह से है मतलब जैसे कि आपका है एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी इज ऑफ योर थ्री टाइप आप एक सिंगल टायर आर्किटेक्चर हम पढ़े थे टू टायर आर्किटेक्चर हम पढ़े थे और एक आर्किटेक्चर हम पढ़े थे एन टायर आर्किटेक्चर और मल्टी टायर आर्किटेक्चर ओके जिसमें क्या होता है जो मल्टी टायर आर्किटेक्चर जो एक सर्वर में आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल रहेगा एंड थ्रू आउट द वर्ल्ड द पीपल कैन एक्सेस इट हर एक जगह पर आप सारा लोग इसको यूज कर सकते हैं लेकिन ये जो एप्लीकेशन बनाने के लिए पहले आपको एक फोरम में जाना पड़ेगा जो फोरम होता है डब्ल्यू 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 तो डब्ल्यू 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 इज नॉट ए वर्ड फॉर एक्सेसिंग ए इंटरनेट इट इज ए डेटा वेयर हाउस ऑल द इंफॉर्मेशन इज स्टोर ओवर देअर दुनिया का सारा इंफॉर्मेशन उस वेयर हाउस में स्टोर होता है डॉट मीन्स एक्सेस जैसे कि आप कोर जब हमें पढ़ोगे कोई भी वेरियबल को आप कॉल करते हो कोई भी फंक्शन को आप कॉल करते हो सो यू यूज अ डॉट सिम्बल थ्रो दैट ऑब्जेक्ट वी कैन एक्सेस द वैल्यू दिमिलर वे डब्ल्यू 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 इज ए वेयर हाउस एंड इफ यू टू एक्सेस दिलीमेंट देप्लीकेशन हम जब बनाएंगे तो बेसिकली जो भी वेबसाइट हम बनाते हैं सो इट इज डेवलप और जो फ्रंटेंड का पार्ट है वो आपका एस्टिमेल में बनाया जाता है ओके okay. उसके बाद हम uh, जो भी इंफॉर्मेशन पास करेंगे एच में उसके बाद आपका फ्रंट एंड हो गया और आपका इंफॉर्मेशन वैलिडेट होगा वैलिडेट होने के लिए हम यूज करेंगे क्या ना बिजनेस लॉजिक यूज करेंगे ओके सो व्हेन यू आर यूजिंग ए बिजनेस लॉजिक दिस बिजनेस लॉजिक इज ऑफ एनी टाइप मतलब आप जाभा में बना सकते हो डॉटनेट में बना सकते हो और पी में भी बना सकते हो उसके बाद आपका इंफॉर्मेशन प्रोसेस होने के बाद वो इन्फॉर्मेशन स्टोर होता है कहां पर ना जाकर आपका डेटाबेस में आपका आपका इन्फॉर्मेशन स्टोर होता है ओके तो इट इज अ कंप्लीट सिनेरियो फॉर डिजाइनिंग एनी काइंड ऑफ वेबसाइट ये जो वेबसाइट जो आप बनाते हो वेबसाइट इज व्हाट इट इज अ कलेक्शन ऑफ द वेब पेजेस मल्टीपल पेजेस को लेकर आपका वेबसाइट बनाया जाता है नाउ अभी आपका क्वेश्चन आएगा ये जो पेजेस है आप क्या नॉर्मल पेजेस को वेब पेजेस बना बोल सकते हो नहीं नॉर्मल पेजेस ये आपके पास रहता है जो पेजेस आपका इंटरनेट में अवेलेबल रहता है एंड यू कैन एक्सेस एनी टाइम सो दैट इज अ वेब पेज सो व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ दिस वेब पेजेस वी कॉल एज अ वेबसाइट ये जो वेबसाइट वेब पेजेस होता है दो तरीका का होता है एक है यू कैन सेट इज ए स्टैटिक पेज

जो डायनेमिक वेब पेजेस आपको बनाने के लिए हम ऐसा यूज करते हैं हम ये जो बहुत सारा जो प्रोग्राम है ये प्रोग्राम के हम मदद लेते हैं ये प्रोग्राम हो सकता है आप जावा में कर सकते हो और आपका जो है पी में भी कर सकते हो और आप इसको कर सकते हो किसमें ना ए एस पी डॉट नेट अब बोलते हैं डॉट नेट जो टेक्नोलॉजी है उसको भी यूज करके हम बना सकते हैं तो इट इज डिपेंड अपन विच एप्लीकेशन वेर यूजिंग तो हम बेसिकली जावा क्यों यूज करेंगे हर एक जगह पर आप इसको एक्सेस कर सकते हो इंटरनेट हेज बीन फास्टेस्ट एंड ग्रोइंग टेक्नोलॉजी इट हेज बीन चेंज द वे

यूज़ करके आप पर्टिकुलर एक बिल्डिंग में सारा सिस्टम को आप कनेक्टेड कर सकते हो एंड यू कैन कनेक्टेड इन ऑर्गेनाइजेशन जो एक ऑर्गेनाइजेशन का सारा जो सिस्टम uh, है उसको हम लैंड के थ्रू में कनेक्टेड करते हैं अभी हम कंसेप्ट में आएंगे व्हाट इज दैट कंसेप्ट ऑफ योर वर्ड मैन मेट्रो

ओके मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क ओके तो इसमें क्या होता है ना आप एक आईपी एड्रेस के थ्रू में आपका कंपनी का जो वेबसाइट है वो उसको एक्सेस कर सकते हो आप काम कर सकते हो और जो भी काम जैसे कि अभी आप देख, देखे हो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है बैंगलोर का जो एम्प्लॉय है दैट पर्सन इज वर्किंग एट ओडिशा एंड इज ऑल्सो डूइंग वर्क एंड गेटिंग द सैलरी सो हाउ दे कनेक्टेड अब हाउ यू थिंक दैट in earlier to do a particular work so you have to go to a office and you do your work but now by sitting our home we do that particular work and we complete a project that project is also delivered and you are getting all the kind of what uh, your salary and everything is completed so that is because of uh, they have created an online platform तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक मॉड्यूल बन जाता है सो यू हैव टू डू यूर मॉड्यूल एट ऑनलाइन बेसिस आपको पर्टिकुलर उस टाइम में आपका जो कंपनी का जो सॉफ्टवेयर है वहां पर लॉग इन होना है और आपका जो पोर्टल है वहां पर आपको काम करना पड़ेगा सो योर थिंग आर रिकॉर्डेड एंड टीम लीडर इज एनालाइजिंग दैट यू आर वर्किंग नॉट सो यू हैव टू डू योर वर्क एंड सबमिट इन द पर्टिकुलर टाइमिंग देन द प्रोजेक्ट इज फिनिश देन इट इज डिलीवर टू द कस्टमर सो इट इज अ वर्स्ट टेक्नोलॉजी

Uh, you go for this online platform okay so this internet has been fastest and growing technology and it has changed the way of business conducted it is a comprehensive one one, one one so that is that is called the problem. man means you are connected within the city okay so that mm -hmm. is you have to connect it through the uh, what uh, you can say uh, a ip address but wide area network uh -huh. you, ये सब कांट्रीज को वन वन एरिया नेटवर्क अंडर रे सब जगह कंट्रीज कनेक्टेड रोचन ना पर्टिकुलर से बाउंड्री की चीज हो जी नहीं एवरी कंट्री आर कनेक्टेड मींस इन द टोटली वर्ल्ड इज कनेक्टेड थ्रू द वन अंडर दैट नेटवर्क वाइड एरिया नेटवर्क ओके सो बेसिकली दिस इज अ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लाइक यू कैन से लाइक योर होम इज नाउ योर ऑफिस ओके सो इन योर होम यू डू योर वर्क and you yearn earlier you have to go to your office you have a particular timing you have to give a fingerprint and you uh, work over there but now what happened through the internet people are present in the different part of the country suppose if somebody is working in the foreign in a software development com company now they are in the world in a uh, in their country so if they are back to the india they also doing their work through this uh, uh, internet concept

यू हैव टू क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर लिंक एंड वो ऑटोमेटिक क्या करेगा आपको आपको ले जाएगा एंड यू द वर्क ओवर नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वेन यू आर वर्किंग इन ए वेबसाइट डेवलपमेंट फर्स्ट यू नो व्हाट इज द एक्चुअल आर्किटेक्चर इज प्रेजेंट हाउ इट इज एक्चुअली वर्किंग देन यू हैव टू गो फॉर यू ओके सो देर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब रोल्स ऑल्सो अवेलेबल ओके फर्स्ट ऑफ ऑल इज वर्ड आइडेंटिफाई दर्किटेक्ट इज आपने मनी आप डिपोजिट करने के लिए जा, जाओगे, कोई भी बैंक में तो आपको बोलेगा लाइक आज सर्वर डाउन है तो क्लाइंट इज एनीकेशन ट आर द आर्किटेक्चर एट प्रेजेंट वन इज क्लाइंट वेब सर्वर जो हम बोलते हैं सर्वर डाउन हो जाता है और हम बोलते हैं प्रोटोकल और एक होता है क्लाइंट मीन्स दैट यू कैन से क्लाइंट दैट यू आर एक्सेसिंग द गूगल यू कैन एक्सेस द फेसबुक एंड द सर्वर वेयर द एक्चुअल सर्वर इज प्रेजेंट व्र इट इज प्रेजेंट लाइक फेसबुक सर्वर इज प्रेजेंट दू एस ए नाउ वी आर एक्सेंग इन इंडिया

वो लोग वो क्या करते है ना वो, वो राज करते थे तो वहां पर आप देखोगे देखे हो कोई भी मूवी में उनको एक राजा दूसरे राजा को अगर मैसेज देता है सो दे सेंडिंग द मैसेज थ्रू द मैसेजर उसको दूध बोला जाता है वो दूध जाकर वो लेटर देता है वो जो मंत्री है वो लेटर पढ़ता है राजा खुद नहीं पढ़ता है, मंत्री पढ़ता है वो सुनाता है ओके एंड सो दैट इज द वर्क ऑफ ए प्रोटोकॉल

ली नोन आज वेब ब्राउजर ओके आप क्लाइंट किसको बोलोगे यहां पर ना आपका जो डिफरेंट ब्राउजर है थ्रो द ब्राउजर यू आर एक्सेसिंग द इंटरनेट द क्रोम मोजिलार वेब ब्राउजर बाय यूजिंग ऑफ दिस वेब ब्राउजर द क्लाइंट सेंड ए रिक्वेस्ट For the resource रिसोर्स as a web page, image, audio file, video file or any other document, okay? तो so, आप इमेजेस भेज सकते हो ओके okay? एंड आपका म्यूजिक फाइल वो आप भेज सकते हो ओके okay? तो so, यहां पर देखो नेक्स्ट पार्ट हम जाते हैं वेब सर्वर वेब सर्वर

आपका इंटरनेट का जो स्ट्रेंथ है थोड़ा ज्यादा रहता है आप जितना दूर जाओगे वो बैंडविथ आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है इट इज अ लोअर इट इज अ वीक ओके तो सिमिलर वे जब वो रिक्वेस्ट देखता है तो पहले वो देखता है इन हुई टाइम यू आर गिविंग ए रिक्वेस्ट आप क्या रिक्वेस्ट भेज रहे हो और कौन सा रिक्वेस्ट आप भेज रहे हो सपोज मैं एक दुकान पर जाता हूं मुझे कुछ सामान खरीदना है तो वहां पर एक आदमी ऑलरेडी खड़ा है

You are accessing for browsing, or you are accessing for uploading a photo. Okay, तो एक समय पर हम Facebook uh, access करते हैं जो एक photo upload करता है जितना time लेता है पांच photo upload करने के लिए ज्यादा time लेता है तो एक समय पर multiple people Facebook access कर रहे हैं लेकिन जो एक photo upload करता है उसका timing ज्यादा रहता है जो कुछ भी अपलोड नहीं करता ब्राउजिंग करना चाहता है तो उसका और ज्यादा फास्ट होता है सो इट इज say इट इज what फॉर जजिंग

जो इन्फॉर्मेशन आप पास कर रहे हो वो इन्फॉर्मेशन आपको कितना जल्दी आपको प्रोवाइड करेगा सो बेस्ड अपन योर डेटा बेस्ड अपन योर एक्सेसिंग टाइम इट इज डिलीवरिंग द इनफॉर्मेशन द सर्वर दैट डिलीवर द वेब पेज इमेजेस और अदर सोर्सेज इज नोन एज अ वेब सर्वर इट इज आइदर ए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रनिंग ऑन द कंप्यूटर दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग द क्लाइंट रिक्वेस्ट वेन द वेब सर्वर रिसीव ए रिक्वेस्ट फॉर द क्लाइंट रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स द रिक्वेस्ट एन रिसोर्स आप जो रिक्वेस्ट भेज रहे हो देन दैट रेस्पॉन्स इज गेटिंग बैक ये फिगर में अगर आप चेक करोगे पार्टो क्लाइंट वन क्लाइंट टू क्लाइंट थ्री देखो एक क्लाइंट है जो मोबाइल में एक्सेस कर रहा है एक क्लाइंट है आपको क्या कर रहा है ना जो डेस्कटॉप में एक्सेस कर रहा है एक क्लाइंट क्या कर रहा है ना पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट में एक्सेस कर रहा है टू द सेम सर्वर मतलब तीन यूजर एक सर्वर में रिक्वेस्ट भेज रहे हैं सपोज इफ यू कंपेयर दिस क्लाइंट वन क्लाइंट टू एंड क्लाइंट थ्री ओके नाउ कम्स टू दिस पॉइंट वट इज दैट यू आर

और जो डेटाबेस डीबीए है है वो वो बैठता एंड इज एनालाइजिंग ओके रहेंगे मतलब वो database, वो के लिए पॉपुलर करने के लिए वो रिसर्च करेगा लेकिन मेन काम रहता है कि इसका डीबीए कर रहता है और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर सेटर रहता है सर्वर ऑफ हुआ कि डाउन हुआ परफॉर्मेंस देखता है कहां पर लोग एक्सेस कर रहे हैं लेकिन उनको ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है किस एरिया में आ, आपका जो फेसबुक एक्सेस नहीं हो पा रहा है उसका रीजन क्या है नेटवर्क है ये सब तो एरिया का जो सर्वर है वो कहां एक तो यूएसए में उसका जो सब सर्वर है जैसे कि इंडिया में है फेसबुक का एक सर्वर रहता है एक जैसे कि ट्रांसफॉर्मर होता है हाँ। आपका इलेक्ट्रिसिटी का एक रहता है मेन पॉइंट और ट्रांसफॉर्मर में आपका इलेक्ट्रिसिटी आया तो प्रॉब्लम होगा कहां पर आपका एरिया में प्रॉब्लम होगा ट्रांसफर वन में तो आपका ट्रांसफर वन में वो ठीक करेगा अगर मेरा फेसबुक में कुछ प्रॉब्लम होता है वो इंडिया का सर्वर देखेगा यूएसए को नहीं भेजेगा कोई भी गलत काम होता है जैसे कि आ, इंटरनेट में फ्रॉड होता है कोई भी ब्लॉक होता है जैसे कि जम्मू कश्मीर में जब अप्लाई हुआ जो सी जो रूल अप्लाई हुआ तो पर्टिकुलर उस एरिया का नेटवर्क कनेक्शन और फेसबुक बंद किया जाता है आ,

रियल लाइफ ऑल्सो जो भी वेबसाइट आप ओपन कर रहे हो डेस्कटॉप में और लैपटॉप में थोड़ा टाइम लगता है एंड इफ यू ओपन दैट थिंग इन द इन योर मोबाइल फोन इट इज ओपन वेरी क्विकली सर नो दैट इज दट इज एक्चुअली सो नाउ वी कम्स टू दिस यूर एल इज अट्रिंग

जो जो और जो डिफरेंट डाटा हो गया वो सब इंटरलिंक होता है ओके okay. तो गूगल में सर्च करने से सर वो झटपट झटपट का साथ भी वो सारा सब सार लिंक दिखा देता है यस यस फ्लिपकार्ट Amazon सब का दे दिया आप क्लिक करो सीधा चलेगा। हम्म। हम देन व्हाट इज प्रोटोकॉल सी दैट ओके अगर डिस्कनेक्टेड हो जाएगा और 5 मिनट के लिए मैं लूंगा

वेब सर्वर लोकेट द रिक्वेस्टेड रिसोर्स एंड सेंड द रेस्पॉन्स टू दीडीपी क्या होता है आप जितना बार रिक्वेस्ट भेजोगे आपको एज अ न्यू क्लाइंट के हिसाब से आपको दिखाएगा तो स्टेटलेस प्रोटोकॉल इज वेरी इंपोर्टेंट एज बिक वर्ड स्टेट फुल में क्या होता है ना मैं फेसबुक को कनेक्टेड कर लिया लेकिन कुछ काम नहीं किया तो अगर मैं कनेक्टेड हूँ फेसबुक का एक लिमिटेशन रहता है. है लेकिन उससे आप हैंडल तो, okay. तो एक प्रॉब्लम के लिए क्या होता है ना अगर मैं www.facebook.com यूज किया सो इट इज फ्रॉम द सर्वर तो जो भी काम करना है मैं क्लाइंट साइड में करूंगा जब फिर मैं सबमिट मारूंगा फिर मेरा डाटा कनेक्टेड हो जाएगा सर्वर में सो एवरी टाइम वेन यू आर सेंडिंग ए रिक्वेस्ट यू आर ट्रीटेड एज अ न्यू क्लाइंट क्लियर समझ में आया कैसे काम होता है yes,